नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, जिस चीज को खाने के लिए सभी घर में सपना देखते रहते हैं कि हम अपनी चीज घर में बनाएं, हम आज आपको बताएंगे कि आटे के बिस्किट कैसे बनते हैं। आटे के बिस्किट और दूसरे बिस्किट जो मैदे से बनते हैं, आटे के बिस्किट ज्यादा पौष्टिक, ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जिसको आप घर में ही बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने की सामग्री हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसकी सामग्री नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप आधा किलो शक्कर ले लीजिए। गुड़ की शक्कर होती है, बहुत अच्छी साफ सुथरी शक्कर बाजार से मिल जाती है, देसी शक्कर। आधा किलो शक्कर ले लीजिए और आधा किलो गाय का दूध ले लीजिए और आधा किलो शुद्ध गाय का ही देसी घी ले लीजिए। इन तीनों को अच्छी तरह एक प्रांत में लेकर अच्छी तरह मिला लीजिए और मिलाकर इसकी एक अच्छी खासी ग्रेवी सी बन जाएगी, वो बना के आप रख लीजिए। उसके बाद आप आटा ले लीजिए और आटे में ये ग्रेवी अच्छी तरह मिला करके इसको अच्छी तरह फेंट लें और अच्छी तरह इसको हाथ से गूंद लें। गूंदने के बाद जिस आकार में, जिस शेप में आप आटे के बिस्कुट चाहते हैं, वैसी शेप इसकी बना लें। जैसे कोई, अगर आपके पास घर में कोई चीज नहीं है तो आप उसको प्लेन करके, एक प्लेट में लेकर के प्लेन करके उससे आप पीसेस, बर्फी की तरह पीसेस काट सकते हैं। काट के आप इसको ओवन में रख लीजिए और 250 डिग्री की सेल्सियस में आप इसको पकाना है और बीच में देख लेना है। जब ये रेड ब्राउन हो जाए तो आपके ये आटे के बिस्कुट तैयार हैं, आप खा सकते हैं। ये देखिए, घर में बने हुए आटे के बिस्किट बहुत अच्छे ढंग से बनाए हुए हैं। इनमें अच्छी तरह डिजाइन बनाया हुआ है और ये बहुत अच्छे और खस्ते और पौष्टिक बिस्किट आप घर बना सकते हैं। इसको खाइए और खाकर मस्त हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।